यह पाठः दूसरा पाठ स्वर्ण काकः सुनहला कौवा। प्रस्तुतो अयम् पाठः। प्रस्तुतो प्रस्तुत, अयम् यह, पाठः पाठ। श्री पद्मशास्त्रिणा, श्री पद्मशास्त्री के द्वारा, लेखक है पद्मशास्त्री, तो श्री पद्मशास्त्री के द्वारा विरचितम लिखे गए श्री विश्व कथा शतकम्, श्री विश्व कथा शतक इस नाम के कथा संग्रहात कहानी संग्रह से ग्रहितः अस्ति, ग्रहण किया गया है या लिया गया है। अत्र यहाँ या इसमें विविध राष्ट्रेषु विभिन्न राष्ट्रों में व्याप्तानाम फैली हुई शतम सौ लोक कथानाम लोक कथाओं का वर्णनम वर्णन विद्यते अस्ति है, विद्यते है। एषा कथा, एषा यह कथा कहानी, यह कहानी वर्म म्यांमार, वर्मा या म्यांमार देश के श्रेष्ठा लोक कथा अस्ति, कि देश की श्रेष्ठ लोक कहानी है या लोक कथा है। अस्याम कथायाम इस कहानी में लोभस्य दुष्परिणामः, लोभस्य लालच दुष्परिणामः बुरा परिणाम, या आप सभी जानते हैं कि जो व्यक्ति लालची होता है उसे बुरा फल मिलता है, क्योंकि कहते हैं लालच बुरी बला है, तो लालच का या लोभ का दुष्परिणाम। तथा च, च और त्यागस्य त्याग का सुपरिणाम, कि जो त्याग करता है वो अच्छे परिणाम को, अच्छे रिजल्ट को, अच्छे फल को प्राप्त करता है, तो लालच का बुरा फल और त्याग का अच्छा फल। स्वर्ण पक्ष काक माध्यमेन, सुनहले पक्ष होता पंख वाले, काक माध्यमेन कौवे के माध्यम से, कौवे के द्वारा वर्णितः अस्ति, वर्णित किया गया है या बताया गया है। पुरा कस्मिंश्चित ग्रामे, पुरा प्राचीन काल में, कस्मिंश्चित किसी ग्रामी गांव में, एका एक निर्धना निर्धन गरीब, वृद्धा स्त्री बूढ़ी स्त्री बूढ़ी औरत, न्यवसत नीप्लस अवसत न्यवसत रहती थी। तो पुरा प्राचीन काल में या पहले किसी गांव में एक गरीब वृद्धा रहती थी या गरीब बूढ़ी स्त्री निवास करती थी। तस्याह च एका, तस्याह उसकी, च और एका एक, तो च और तस्याह उसकी, एका एक दुहिता बेटी पुत्री, विनम्रा मनोहरा च आसीत, विनम्र और मनोहर आसीत थी, कि उसकी एक बेटी थी जो बहुत विनम्र पोलाइट और मनोहर सुंदर थी। एकदा एक बार माता माता ने स्थाल्याम थाली में, तंडुलान निक्षिप्य तंडुलान चावलों को निक्षिप्य रख करके, पुत्रीम आदिदेश पुत्री को अपनी बेटी को आदेश दिया आज्ञा दी, सूर्यातपे सूर्यस्य आतपे सूर्य की धूप में, सूर्यातपे आतप होता है धूप, तो सूर्यातपे सूर्य की सूरज निकलने पर, जब सूरज आ जाए और धूप आने लगे, तो सूर्य की धूप में तंडुलान चावलों को खगेभ्य पक्षियों से रक्ष बचाओ, कि उसने धूप में चावलों को रखा था और अपनी पुत्री को कहा था कि तुम इनकी पक्षियों से रक्षा करो। किंचित काला दंतरम, किंचित कालात अनंतरम, तो किंचित कुछ कालात समय, अनंतरम बाद में, तो कुछ समय के बाद एकः विचित्रः काकः, एकः एक विचित्रः अनोखा काकः कौवा, समुद्दीय उड़कर के, ताम उपाजगाम, ताम उसके उपाजगाम पास में आया, कि उसी समय में कुछ समय के बाद ही एक विचित्र कौवा समुद्दीय उड़कर के ताम उपाजगाम उसके समीप या उसके नजदीक आया। नैतादृशः स्वर्ण पक्षो रजत चंचुः स्वर्ण काकस्य पूर्वं तया पूर्वं दृष्टम्, कि नौ प्लस एतादृशः,
एतादृशः इस प्रकार का या ऐसा स्वर्ण पक्षः सुनहरे पंख वाला ऐसे सुनहरे पंख वाला रजत चंचु रजत चांदी की चंचु चोंच वाला कि सोने के पंख वाला और चांदी की चोंच वाला स्वर्ण काकः सुनहला कौआ तया उसके द्वारा पूर्वम पहले न नहीं दृष्टम देखा गया कि ऐसा विचित्र कौआ उसने पहले कभी नहीं देखा था जिसके सुनहले तो पंख थे और चांदी की चोंच थी। तम तंडुलान खादंतम तम उसको तंडुलान चावलों को खादंतम खाते हुए हसंतम च च और हसंतम हंसते हुए विलोक्य दृष्टवा देखकर बालिका बालिका ने रोदितुम आरब्धा रुद प्लस तुमुन तो रोदितुम रोना आरब्धा शुरू किया कि जैसे ही बालिका ने ऐसे विचित्र कौवे को देखा तो उसने रोना प्रारंभ किया। तम निवारयंती तम उसको निवारयंती रोकती हुई उस कौवे को रोकती हुई सा प्रार्थयत उसने प्रार्थना की रिक्वेस्ट की सा प्रार्थयत उसने प्रार्थना की तंडुलान मा भक्षय चावलों को मत खाओ मदीया माता अतीव निर्दना वर्तते मदीया मेरी मम मेरी माता माँ अतीव बहुत ज्यादा निर्धना गरीब वर्तते अस्ति है कि मेरी माँ बहुत गरीब है। काकः प्रोवाच कौवे ने प्रोवाच अवदत कौवा बोला माँ शुचः शुचः दुख शोक माँ मत करो दुखी मत हो दुख मत करो सूर्योदयात प्राग सूर्यो सूर्य प्लस उदयात प्लस प्राक सूर्योदय सूर्य के उदय उदय होने से प्राक पहले पूर्व तो सूर्योदयात प्राक सूर्योदय से पहले ग्रामात बही ग्रामात प्लस बही गांव से बही बाहर बही के योग में पंचमी विभक्ति तो ग्रामात बही गांव से बाहर पिपल वृक्षम अनु पीपल के पेड़ के पास त्वया आगंतव्यम तुम्हारे द्वारा त्वया तुम्हारे द्वारा आगंतव्यम आ जाना चाहिए कि तुम सूर्योदय से पहले ही गांव से बाहर जो पीपल का पेड़ है उसके समीप आ जाना। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि अहम मैं तुभ्यम तुम्हारे लिए तंडुल मूल्यम चावल का मूल्य चावल की कीमत दास्यामि दूंगा। प्रहर्षिता बालिका प्रहर्षिता प्रसन्न खुश तो प्रसन्न बालिका ने निद्राम अपि न लेभे नींद भी नहीं ली उसे नींद भी नहीं आई क्योंकि उसे सुबह पीपल के पेड़ के पास जाने की चिंता थी और एक खुशी भी थी कि उसे चावलों का मूल्य मिलेगा। सूर्योदयात पूर्वम एव सूर्योदय से पहले ही सा वह तत्र उपस्थिता तत्र प्लस उपस्थिता तो सूर्योदय से पहले ही तत्र वहां उपस्थिता उपस्थित हो गई कौन सा तो वह बालिका या वह सूर्योदय से पहले ही वहां उपस्थित हो गई वृक्षस्य उपरि पेड़ के ऊपर विलोक्य दृष्टवा देखकर सा वह च प्लस आश्चर्यचकिता संजाता कि पेड़ के ऊपर देखकर सा वह आश्चर्यचकित हुई और उसने जब पेड़ के ऊपर देखा तो वह हैरान हो गई। यत तत्र यत की तत्र वहां स्वर्णमय प्रासादो वर्तते वहां पर क्या था स्वर्णमय स्वर्ण निर्मित गोल्डन सोने का बना हुआ प्रासाद महल है इसे देखकर उसे हैरानी हुई। यदा जब काकः कौवा शयित्वा शयि प्लस कत्वा सो करके प्रबुद्धः उठा जगा तदा तब तेन स्वर्ण गवाक्षात जैसे ही या जब कौवा सोकर के जगा तदा तब तेन उसके द्वारा स्वर्ण गवाक्षात
सोने की खिड़की से कथितम कहा गया, उसने सोने की खिड़की में से झांककर कहा, अहो अरे बाले बालिका, अरे बालिका तुम आगता, तुम आ गई, तिष्ठ रुको ठहरो, अहम त्वत्कृते, अहम मैं त्वत्कृते तुम्हारे लिए सोपानम अवतारयामि, सोपानम सीढ़ी, सीढ़ी को उतारता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए सोपानम अवतारयामि, सीढ़ी को अवतारयामि उतारता हूँ। तत् कथय, तत् तो कथय बोलो बताओ कहो, स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, उसने उसे चॉइस दी कौन सी सीढ़ी उतारूं, मेरे पास तीन तरह की सीढ़ियां हैं, स्वर्णमयम सोने की, रजतमयम चांदी की वा या ओ आर अथवा ताम्रमयम तांबे की सोने की चांदी की या तांबे की कौन सी सीढ़ी को उतारूं। कन्या प्रावोचत, कन्या ने या बालिका ने प्रावोचत कहा, बालिका ने उत्तर दिया, अहम मैं निर्धन मातुः, निर्धन माँ की दुहिता सुता पुत्री बेटी, कि मैं निर्धन माँ की बेटी हूँ, अस्मि हूँ, अहम के साथ हमेशा अस्मि आता है, तो मैं निर्धन माता की, गरीब माता की बेटी हूँ। ताम्र सोपानेन एव आगमिष्यामि, ताम्र सोपानेन प्लस एव, तांबे की सीढ़ी से ही आगमिष्यामि आऊंगी, कि मैं तो गरीब माँ की बेटी हूँ, मुझे सोने और चांदी की सीढ़ी नहीं चाहिए, मुझे तो तांबे की सीढ़ी ही दे दो, क्योंकि तांबे की सीढ़ी के द्वारा ही मैं ऊपर आ जाऊंगी। परम परंतु स्वर्ण सोपानेन स स्वर्ण भवनम आससाद, परंतु स्वर्ण सोपानेन सोने की सीढ़ी से ही वह स्वर्ण भवनम सुनहले भवन को, सुनहले जो महल को आससाद पहुंची, कि जब हम किसी से कुछ बहुत ज्यादा मांग लेते हैं, लालच करते हैं, तो हमें हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, कि ये कहा भी है कि मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भी, मांगन से मरना भला, यह सद्गुरु की सीख, कि हिंदी में भी कहा गया है कि कभी भी किसी को किसी से मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि मांगना एक मरने के समान है, जीते जी मृत्यु है, क्यों, क्योंकि इससे व्यक्ति का आत्मसम्मान खत्म होता है। उस बालिका का भी आत्मसम्मान था, वो गरीब थी, लेकिन उसने लालच नहीं किया, उसे सिर्फ चावलों की कीमत चाहिए थी, इसलिए जब कौवे ने कहा सोने की चांदी की या तांबे की, तो उसने तांबे की सीढ़ी को चुना, और उस तांबे की सीढ़ी के द्वारा वह कौवे के महल में पहुंच गई। चिरकालम लंबे समय तक भवने महल में, भवन में चित्र विचित्र वस्तुनी, चित्र विचित्र वस्तुनी अलग अलग तरह की विचित्र वस्तुओं को सज्जितानी सजी हुई दृष्टवा देखकर सा विस्मयम गता, सा वह विस्मयम हैरान हो गई, आश्चर्य को पहुंच गई, उसे आश्चर्य हुआ कि इस सुनहले भवन में कितनी अनोखी चीजें हैं और कितना सुंदर ही सजा हुआ है, उसे देखकर उसे हैरानी हुई। श्रांतां ताम विलोक्य, श्रांतां थकी हुई, टायर्ड, कि श्रांतां थकी हुई ताम उसको विलोक्य देखकर, काकह कौवा प्राह अवदत, कि थकी हुई उसको विलोक्य देखकर काकह प्राह, कौवे ने कहा, पूर्वम लघु प्रात राशः क्रियताम, कि पूर्वम पहले, सबसे पहले तो लघु प्रात राशः, लघु थोड़ा सा, प्रात राशः होता है ब्रेकफास्ट नाश्ता, कि पहले तो थोड़ा सा नाश्ता करो, क्रियताम करो, वद बोलो बताओ, त्वं स्वर्ण स्थाल्यां भोजनं करिष्यसि किं वा रजत स्थाल्यां ताम्र स्थाल्यां, वहां भी कौवे ने उसे
चॉइस दी, उसने कहा कि तुम पहले तो थोड़ा सा नाश्ता कर लो और उसके लिए तुम मुझे बताओ कि तुम सोने की थाली में भोजन करोगी या चांदी की या तांबे की, कि सोने की थाली में भोजन करोगी या चांदी या तांबे की थाली में भोजन खाना पसंद करोगी। तो बालिका व्याजहार, व्याजहार अवदत, बालिका ने कहा तांड स्थाल्याम एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यसि, कि तांड स्थाल्याम तांबे की थाली में, एव ही तांबे की थाली में ही अहम निर्धना मैं गरीब भोजनम करिष्यामि भोजन करूंगी, कि मैं तो गरीब हूं इसलिए मुझे तो तांबे की थाली में ही भोजन परोस दो। तदा तब सा कन्या च प्लस आश्चर्यचकिता संजाता, कि च और तदा तब और तब वह कन्या, वह लड़की, वह बालिका आश्चर्यचकिता हैरान संजाता हो गई, जब उसे हैरानी हुई। यदा जब स्वर्ण काकीन सोने के कौवे के द्वारा, सुनहले कौवे के द्वारा स्वर्ण स्थाल्याम सोने की थाली में भोजनम परिवेशितम भोजन परोसा गया, कि उसे हैरानी हुई कि उसने तो तांबे की थाली मांगी गई, मांगी थी और उसे सोने की थाली में भोजन परोसकर दिया गया। नौ प्लस एतादृक, वृद्धि संधि है इस शब्द में, तो नौ प्लस एतादृक, एतादृक ऐसा इस प्रकार का स्वादु स्वादिष्ट भोजनम भोजन अध्यावधि आज से पहले बालिका, बालिका ने नौ नहीं खादितवती खाया था, कि आज से पहले बालिका ने ऐसा स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया था। काकह ब्रूते, काकह अवदत, कौवा बोला बालिके बालिका अहम इच्छामि, अहम मैं, इच्छामि चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ यत त्वम, यत के त्वम तुम, कि मैं चाहता हूँ कि तुम सर्वदा ऑलवेज यहाँ हमेशा, तो सर्वदा हमेशा च अत्र प्लस एव, च प्लस अत्र प्लस एव, कि मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा ही यहाँ रुको रुको, परम परंतु तव माता, परंतु तुम्हारी माता च एकाकिनी वर्तते, परंतु तुम्हारी माता एकाकिनी अकेली है, कि मेरी तो इच्छा है, मेरी तो ये कामना है कि तुम हमेशा ही यहीं रहो, परंतु तुम्हारी माता अकेली है, इसलिए त्वं तुम शीघ्रम एव, शीघ्र ही तुरंत ही स्वगृहं गच्छ, अपने घर को जाओ। इत्युक्त्वा, इति प्लस उक्त्वा, यण संधि है इसमें, इत्युक्त्वा इस प्रकार कहकर काकः कौवा कक्षाभ्यंतरात, कक्षाभ्यंतरात कक्षा, कक्ष के अभ्यंतरात अंदर से, कमरे के अंदर से तिस्रः मंजूषा, तीन मंजूषा, मंजूषा होती है पेटी संदूक, कि इस प्रकार कहकर कमरे के अंदर से तीन पेटियां या तीन बक्से सार्य निकाल करके ताम प्रत्यवदत, ताम उसको प्रति प्लस अवदत, उसको कहा कि कौवे ने अपने कमरे से तीन मंजूषाएं या तीन पेटियां निस्सार्य निकालकर ताम उसको प्रत्यवदत कहा, बालिके बालिका यथेच्छम ब्रहान मंजूषां एकम, यथा प्लस इच्छम, जैसी इच्छा हो, जैसा तुम चाहो, तो जैसी इच्छा हो वैसी मंजूषां एकाम, एकाम मंजूषां, एक मंजूषा को, एक संदूक को ग्रहण ग्रहण करो, तो जो तुम्हें पेटी चाहिए वैसी ही पेटी तुम ग्रहण करो। लघु तमाम मंजूषां प्रग्रह्य, लघु तमाम सबसे छोटी मंजूषां, मंजूषा को, संदूक को प्रग्रह्य ग्रहण करके बालिकया, बालिका के द्वारा कथितम इयत एव मदीय तंडुलानाम
मूल्यम की सबसे छोटी मंजूषा को ग्रहण करके बालिका या बालिका के द्वारा कथितम कहा गया इयत एव इयत यही मदीय मेरे तंडुलानाम चावलों का मूल्य मूल्य है कि यही मेरे चावलों का मूल्य है या इतना ही मेरे चावलों की कीमत है। गृहम आगत्य घर आकर गृहम आगत्य आ प्लस गम प्लस यत घर आकर के तया उसके द्वारा उस बालिका के द्वारा मंजूषा पेटी को संदूक को समुद्र घाटिता खोला गया तस्याम उसमें महा प्लस अरहाणी महा अरहाणी बहुमूल्य बेश कीमती अनमोल तो बहुमूल्य हीरकाणी हीरे रत्न आदि को विलोक्य देखकर सा प्रहर्षिता वह प्रसन्न हुई वह खुश हुई तत् प्लस दिनात् प्लस धनिका तत् दिनात् उस दिन से च और धनिका अमीर संजाता हुई तो तस्याम उसमें महा अरहाणी हीरकाणी बहुमूल्य हीरे या रत्नों को विलोक्य देखकर सा प्रहर्षिता वह प्रसन्न हुई च और तद दिनात उस दिन से ही धनिका संजाता अमीर हो गई। तस्मिन्नेव ग्रामे तस्मिन्नेव उसी ग्रामी गांव में उसी गांव में एका अपरा एक दूसरी लुब्धा लोभी लालची वृद्धा बुढ़िया न्यवसत रहती थी। उसी गांव में एक दूसरी लालची वृद्ध स्त्री वृद्धा या वृद्ध स्त्री न्यवसत रहती थी। तस्यापि उसकी भी एका पुत्री आसीत उसकी भी एक पुत्री थी उसकी भी एक बेटी थी। ईर्ष्या जल से कि जलन के कारण सा उसने तस्य जलन के कारण सा वह तस्य उस स्वर्ण काकस्य सुनहले कौवे के रहस्यम अभिज्ञातवती रहस्य को जान गई थी कि उसे लगा कि कल तक तो ये रो रही थी अपने चावल के मूल्यों के चावल के मूल्य को प्राप्त करने के लिए और ये इतनी गरीब लड़की थी आज इनके पास अचानक से पैसा कहाँ से आ गया। तो ईर्ष्या की वजह से वह उसके उस स्वर्ण कौवे के रहस्य को जान गई थी। सूर्यातपे सूर्यातपे सूर्य की धूप में तंडुलान चावलों को निक्षिप्य रख करके कि सूर्य की धूप में चावलों को रख करके तया अपि तया प्लस अपि उसके द्वारा भी स्वसुता अपनी बेटी सुता बेटी कि उसके द्वारा भी अपनी बेटी रक्षार्थम रक्षा प्लस अर्थम रक्षा के लिए नियुक्ता नियुक्त की गई अपॉइंट की गई कि उसने भी अपनी पुत्री को सुबह सूर्य निकलने पर सूर्य की धूप में चावलों को रखकर उसने अपनी बेटी को कहा कि तुम इसकी रक्षा करो। तथैव तथा प्लस एव तथा वैसे एव ही वैसे ही उस प्रकार ही स्वर्ण पक्षः काकः सुनहले पंख वाला काकः कौवा तंडुलान चावलों को भक्षयन खाता हुआ ताम अपि उसको भी तत्रैव तत्र प्लस एव वहीं पर आकारयत बुलाता है कि उसी प्रकार कि जैसे निर्धन बालिका के साथ हुआ कि सुनहले पंख वाले कौवे ने चावल खाए और फिर उसे पीपल के पेड़ के पास बुलाया ऐसे ही उसने इस बालिका के साथ भी किया तो तत्र आकारयत वहीं पर बुलाया। प्रातः प्लस तत्र प्रातः सुबह तत्र वहां गत्वा गम प्लस त्वा प्रातः या सुबह तत्र वहां गत्वा जाकर सा काकम सा उसने काकम कौवे की निर्भर्त्स्यन्ति कौवे की निंदा करते हुए प्रावोचत कहा
कि उसने कौवे की निंदा करते हुए कौवे का अपमान करते हुए प्रावोचक बोलने लगी, भो नीच काक, अरे नीच कौवे, अहम आगता, अहम मैं आगता आ गई हूँ, कि अरे नीच कौवे मैं आ गई हूँ, मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, मुझे चावलों की कीमत दो, मुझे चावलों का मूल्य दो। काका अब्रवीत, कौवा अब्रवीत बोला, कौ अवदत, कौवे ने कहा, अहम मैं त्वत कृते तुम्हारे लिए, सोपानम उतारयामी, सोपानम सीढ़ी को उतारयामी उतारता हूँ, कि मैं तुम्हारे लिए सोने की सीढ़ी उतारता हूँ। तत् कथय, तत् तो कथय बोलो बताओ, स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा सुनहरी चांदी की या तांबे की। उसने उसको भी थ्री ऑप्शंस दी कि सुनहरी चांदी की या तांबे की, कौन सी सीढ़ी उतारूं। गर्वितया बालिकया, गर्वितया घमंडी अभिमानी, बालिकया बालिका के द्वारा, प्रोक्तम अवदत, घमंडी बालिका के द्वारा कहा गया, स्वर्णमयीन सोपानीन अहम आगच्छामि, कि अहम मैं स्वर्णमयीन सुनहली सोपानीन सीढ़ी से आगच्छामि आ रही हूँ, कि मैं तो सोने की सीढ़ी से ही आ रही हूँ। परम परंतु स्वर्ण काकः तत्कृते, परंतु सुनहली कौवे ने तत्कृते उसके लिए ताम्रमयम सोपानम एव प्रयच्छत, तांबे की सीढ़ी को ही दिया, कि उसने सोने की मांगी तो उसे तांबे की सीढ़ी दी गई, और पहले जो निर्धन बालिका थी उसने तांबे की सीढ़ी मांगी तो उसे सोने की सीढ़ी दी गई। तो जरूरी नहीं है कि मांगने से ही व्यक्ति को सब कुछ मिले, बिना मांगे भी व्यक्ति को बहुत कुछ मिलता है। स्वर्ण काकः ताम भोजनमपि ताम्र भाजने यह कार्यत ही प्लस अकार्यत, कि स्वर्ण काकः सुनहली कौवे ने ताम उसको उस बालिका को भोजनमपि भोजन भी ताम्र भाजने तांबे के बर्तन में, भाजने पात्रे वेसल बर्तन तांबे के बर्तन में ही अकार्यत कराया। प्रतिनिवृत्ति काले, प्रतिनिवृत्ति काले लौटने के समय में, अपने घर वापस जाने के समय में स्वर्ण काकीन सुनहले कौवे के द्वारा कक्षा अभ्यंतरात, कक्ष अभ्यंतरात कक्ष कमरे के अभ्यंतरात अंदर से, तिस्रह तीन मंजुषाह मंजुषाएं पेटियां, तत्पुरह तत्पुरह पुरह होता है समक्षे उसके सामने, तत्पुरह उसके सामने समुत्क्षिप्ता रखी, कि घर लौटने के समय में स्वर्ण काकीन सुनहले कौवे के द्वारा कमरे के अंदर से तीन मंजुषाएं उसके समक्ष रखी। लोभाविष्टा लोभ प्लस आविष्टा लोभीन आविष्टा, लोभ से युक्त, लोभ से आकृष्ट हुई, लोभ से खिंची हुई सा उसने लोभी उस बालिका ने बृहत तमाम सबसे बड़ी मंजुषां मंजुषा को पेटी को संदूक को गृहीतवती ग्रहण किया। गृहम आगत्य घर आकर के सा उसने तर्षिता उसके अंदर बहुत जिज्ञासा उठी, उसे इच्छा हुई कि इस पेटी में क्या है, वो तुरंत उसे खोलकर देखे। तो गृहम आगत्य घर आकर सा तर्षिता उस अभिलाषी इच्छुक बालिका ने यावत जैसे ही या जब मंजुषाम उद्घाटयति जब वह पेटी को खोलती है संदूक को खोलती है, तावत तस्याम तावत तब तस्याम उसमें से भीषण भयंकर कृष्ण सर्प काला सांप विलोकितः देखा गया, कि जैसे ही उसने उस संदूक को खोला वैसे ही उसके अंदर से भयंकर काला सांप नजर आया। मुद्धया बालिकया लालची बालिका के द्वारा लोभस्य फलम प्राप्तम लालच का फल प्राप्त।
प्राप्त किया गया। लोभी बालिका के द्वारा लालच का फल प्राप्त किया गया। तत् प्लस अनंतरम, आफ्टर दैट, उसके बाद सा लोभम पर्यत्यजत, पर्यत्यजत परि प्लस अत्यजत, यण संधि, तो उसके बाद से उसने लोभ का त्याग कर दिया या लोभ को छोड़ दिया। भाषिक विस्तार है प्रश्न संख्या 14 पर, 14th पेज पर भाषिक विस्तार दिया गया है, आप इसे सुनिए ध्यान से, कि किसी भी काम को करके, किसी भी कार्य को करके, इस अर्थ में त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तीन प्रत्यय होते हैं त्वा, ल्यप और तुमन, तो त्वा प्रत्यय का प्रयोग किसी भी काम को करके इस अर्थ में प्रयोग किया जाता है। जैसे पठित्वा, पठ प्लस त्वा पढ़कर, गत्वा गम प्लस त्वा जाकर, खादित्वा खाद प्लस त्वा खाकर। इसी अर्थ में अगर धातु से पहले, क्रिया से पहले उपसर्ग आ जाए तो ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है। ल्यप प्रत्यय का अर्थ भी करके अर्थ में ही होता है, लेकिन ल्यप प्रत्यय से पहले उपसर्ग होना अनिवार्य है, आवश्यक है। तो इसी अर्थ में अगर धातु से पहले उपसर्ग होता है तो ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है। धातु से पूर्व, धातु से पहले उपसर्ग होने की स्थिति में कभी भी त्वा प्रत्यय का प्रयोग नहीं हो सकता। अगर उपसर्ग है तो ल्यप प्रत्यय का ही प्रयोग होगा, त्वा प्रत्यय का नहीं। और उपसर्ग न होने की स्थिति में कभी भी ल्यप प्रत्यय नहीं हो सकता। तो कहने का तात्पर्य है त्वा प्रत्यय में धातु और त्वा, और ल्यप प्रत्यय में उपसर्ग, धातु और अंत में य। उप प्लस गम प्लस ल्यप, उदाहरणों के तौर पर पहला उदाहरण है उप प्लस गम प्लस ल्यप उपगम्य, पास जाकर, सम प्लस पूज प्लस ल्यप संपूज्य, पूजा करके, वी प्लस लोक प्लस ल्यप विलोक्य, देख करके, आ प्लस दा प्लस ल्यप आदाय, लेकर के, निर प्लस गम प्लस ल्यप निर्गत्य, निकल करके। तो उपगम्य समीप जाकर, संपूज्य पूजा करकर, पूजकर, विलोक्य देखकर, आदाय ला करके, और निर्गत्य निकल करके। प्रश्नवाचक शब्दों को, दूसरा जो बिंदु है कि प्रश्नवाचक शब्दों को अनिश्चयवाचक सर्वनाम बनाने के लिए चित और चन, ये निपात, निपात होते हैं जो कभी बदलते नहीं है, अव्यय होते हैं, तो इन निपातों का प्रयोग किया जाता है। ये निपात जब सर्वनाम शब्दों के साथ लगते हैं तो ये सर्वनाम शब्द होते हैं, और जब अव्यय पदों के साथ प्रयुक्त होते हैं तो इन्हें अव्यय कहा जाता है। तो यथा जैसे कह कौन, कह प्लस चन कश्चन कोई, के प्लस चन केचन कोई बहुवचन, का प्लस चन काचन कोई स्त्री, काह प्लस चन काश्चन कुछ स्त्रियां बहुवचन, कह प्लस चित कश्चित कोई, के प्लस चित केचित बहुवचन में, का प्लस चित काचित कोई महिला स्त्री, काह प्लस चित काश्चित कुछ स्त्रियां बहुवचन में। किम शब्द के सभी वचनों, लिंगों व सभी विभक्तियों में चित और चन निपात का प्रयोग किया जा सकता है और उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम बनाया जा सकता है। जैसे किंचित प्रथमा विभक्ति में, केनचित तृतीया विभक्ति में, केशांचित केशां प्लस चित षष्ठी विभक्ति, कस्मिंश्चित कस्मिन सप्तमी विभक्ति में, कस्यांश्चित सप्तमी विभक्ति स्त्रीलिंग में। इसी तरह चित के स्थान पर चन का प्रयोग होता है। चित और चन जब अव्यय पदों में जुड़ जाते हैं तो उन्हें अव्यय कहते हैं। क्वचित कहीं, क्वचन कहीं, कदाचित कभी, कदाचन कभी, अर्थ वही रहता है लेकिन शब्द को लिखने का तरीका बदलता है। तीसरा बिंदु है संस्कृत में एक से चार तक, एक से चतुर चार तक संख्यावाची शब्द पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में अलग अलग रूपों में प्रयुक्त होते हैं, पर पांच से उन सभी रूप, सभी शब्दों का जो रूप है, पांच से लेकर जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी का रूप बहुवचन में चलता है,
और सभी एक ही तरह से चलाए जाते हैं, सभी लिंगों में एक जैसा शब्द बनता है। तो पुंलिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग, एकः बालकः, द्वौ बालकौ, त्रयः बालकाः, चत्वारः बालकाः, एका स्त्रीलिंग बालिका, द्वे बालिके, तिस्रः बालिकाः, चतस्रः बालिकाः, एकं नपुंसकलिंग फलम्, द्वे फले, त्रीणि फलानि, चत्वारि फलानि। वर्तमान कालिक क्रिया के अर्थ में फोर्थ पॉइंट है, चौथा बिंदु है, वर्तमान काल की क्रिया के अर्थ में प्रेजेंट टेंस की धातु के साथ में क्षत्रिय और शानच का, ये दोनों ही प्रत्यय हैं और इन प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं। क्षत्रिय प्रत्यय परस्मैपदी धातुओं के साथ, जो पठती पठतः पठंती, जिस तरीके से हमने पांचों लकार में अभी तक रूप याद किए हैं, वो होती है परस्मैपदी। और शानच प्रत्यय होते हैं आत्मनेपदी, जिसमें आप सेव का किया था आपने क्लास एट में, सेवते सेवेते सेवन्ते, तो वो भी पांचों लकारों में अलग अलग चलते हैं। तो कुछ धातुएं परस्मैपदी होती है, कुछ आत्मनेपदी होती है, और कुछ उभयपदी, जो दोनों में ही चलती हैं। तो खाद प्लस क्षत्रि खादन, खादत, खाता हुआ। गम प्लस क्षत्रि गच्छन, गच्छत, जाता हुआ। पट प्लस क्षत्रि पठन, पठत, पढ़ता हुआ। हस प्लस क्षत्रि हसन, हसत, हंसता हुआ। सेव प्लस शानच सेवमानः, सेवा करता हुआ। मुद प्लस शानच मोदमानः, प्रसन्न होता हुआ। लभ प्लस शानच लभमानः, प्राप्त करता हुआ। ब्रु प्लस शानच ब्रुवाणः, बोलता हुआ। तो ये जितने भी शब्द हैं, खाता हुआ, जाता हुआ कौन, पढ़ता हुआ कौन, सेवा करता हुआ कौन, ये सब विशेषण हैं और इनके साथ में विशेष्य का प्रयोग किया जाएगा। अब इनके रूप भी दिए गए हैं, आप पढ़ सकते हैं। गम धातु के गच्छत, गच्छन, गच्छन्तौ, गच्छन्तः पुल्लिंग में, और पेज नंबर 16 पर स्त्रीलिंग में गच्छन्ति, गच्छन्त्यौ, गच्छन्त्यः नदी की तरह, नपुंसकलिंग में जगत की तरह, गच्छत, गच्छति, गच्छन्ति। और उसके बाद में इन्होंने कहा है कि जितने भी जो नपुंसकलिंग में तृतीय विभक्ति से जितने भी रूप चलते हैं, वो पुल्लिंग की तरह चलते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, तरप और तमप प्रत्ययों में तर और तम शेष बचता है, डिग्रीज, कंपरेटिव, सुपरलेटिव। तो बलवत प्लस तरप, जब दो व्यक्तियों में तुलना की जाती है, तो तरप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। दो व्यक्तियों में की गई तुलना में तरप, तर का प्रयोग होता है, बलवत्तरः। लघु प्लस तमप, लघुतम, जब बहुतों में से किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाए, तब तमप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो तरप और तमप दो शब्द हैं। अब इसमें कुछ शब्द दिए हुए हैं तुलनावाचक, लघु, लघुतर, लघुतम, महत, महत्तर, महत्तम, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, मधुर, मधुरतर, मधुरतम, गुरु, गुरुतर, गुरुतम, तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम, प्रिय, प्रियतर, प्रियतम।